हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी एंड आज हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होने वाला है ऑन द टॉपिक आइसोमेरिज्म। एंड इसके साथ साथ हम एक नया टॉपिक भी आज स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो चलिए, जो पार्ट हमारा अभी बचा हुआ है आइसोमेरिज्म से रिलेटेड वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत बात करी थी अबाउट ईजेट सिस्टम, तो आज हम उसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, ईजेट सिस्टम के अंदर जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड पे अटैच होंगे तो उसे कहा जाएगा ई सिस्टम, ओके। एंड जब ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पे अटैच होंगे तो इसे कहा जाएगा जेड सिस्टम। ये देखिए, अगर ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये एचपी एंड एचपी अपोजिट साइड पे हैं तो उसे कहा जा रहा है ई सिस्टम। जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप एंड हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं तो बोला जा रहा है जेड सिस्टम, ओके। देखिए, प्रायोरिटी रूल्स क्या थे? प्रायोरिटी रूल्स थे कि प्रायोरिटी इज प्रपोर्शनल टू एटमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन। रूल वन बोलता है कि प्रायोरिटी एटमिक नंबर के ऊपर सेट होगी। जिस भी एटम का एटमिक नंबर ज्यादा होगा उसको आपको प्रायोरिटी वन देना है, मतलब हायर प्रायोरिटी देनी है। अगर किसी कार्बन एटम के साथ सेम टाइप के एटम्स अटैच हैं तो आप उस एटम को कैंसिल करके उसके बाद वाले एटम को प्रायोरिटी देंगे। इफ रूल नंबर वन इज फेल्ड देन कंसिडर द नेक्स्ट एटम। रूल थर्ड क्या कहता है कि अगर कार्बन एटम के साथ आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, मतलब अगर कोई भी आइसोटोप प्रेजेंट है तो आप आइसोटोप का एटमिक मास कंसिडर करेंगे प्रायोरिटी सेट करने के लिए, ओके? देखिए, एग्जाम्पल वन के अंदर आपको दिख रहा है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, मतलब कार्बन से ज्यादा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है एंड हाइड्रोजन से भी ज्यादा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। तो आपने यहाँ पे हायर प्रायोरिटी किसको दे दी? क्लोरीन को। एंड फिर आप CH3 को हायर प्रायोरिटी देंगे। अब आप देख रहे हैं कि हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आ गए, तो मतलब ये कौन सा सिस्टम हो गया? जेड सिस्टम। जब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड पे आ गए तो ये कैसा सिस्टम हो गया? ई सिस्टम, ओके। नाउ, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलीइन्स। कई बारी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि बताइए कितने जीआई पॉसिबल हैं इन डिफरेंट पॉलीइन्स। एल्कीन्स के केस में कोई भी आपको लॉन्ग चेन दी जा सकती है एल्कीन की एंड पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट कीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपको कोई एक चेन गिवन है एल्कीन की, जैसे ये R1CH CH 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 and so on up to R2। नाउ वॉट इज R1 एंड R2? R1 एंड R2 आपके एल्काइल ग्रुप हैं। मान लीजिए अगर ये फर्स्ट मेंबर R1 एंड सेकेंड मेंबर लास्ट मेंबर R2 अगर इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे जो एटम्स अटैच हैं वो दोनों इक्वल नहीं है, तो जो नंबर ऑफ GI होंगे वो होंगे इक्वल्स टू दी 2 to the power n, ओके। If R1 is not equals to R2, then number of GI will be equals to 2 to the power n. Now what is n? n is the number of double bonds present in the particular chain. Okay? Example देखिए, ये आपको एक alkyl chain दे रखी है। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि R1 और R2 equal हैं या नहीं है। तो देखिए, R1 की value क्या दे रखी है? CH3। एंड लास्ट मेंबर R2 कितना दे रखा है? CH2 CH3, दैट मीन्स इथाइल ग्रुप आपको दे रखा है। अब आपको पता है जब R1 और R2 इक्वल नहीं है तो आपको GI कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? 2 to the power n। अब आपने देखा n मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। इस चेन के अंदर कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 1, 2 एंड 3।
विच मीन्स 2 to the power n, 2 to the power 3. फिर 2 की पावर 3 को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आता है 8, विच मीन्स इस फॉर्म इस चेन के अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर 8 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हैं. ओके, सेकेंड है इफ R1 इज इक्वल्स टू R2. मान लीजिए अगर फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर अगर सेम है तो क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा. इफ R1 इज इक्वल्स टू R2 देन नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल्स टू 2 to the power n plus 1 plus 2 to the power p minus 1. ओके, ये आपका एक फॉर्मूला है जब आपके R1 और R2 इक्वल है. p इज इक्वल्स टू n बाय 2 व्हेन n इज इवन. जब आपके पास n का नंबर इवन है, मतलब डबल बॉन्ड्स अगर आपके इवन नंबर में प्रेजेंट है, तो p की वैल्यू होगी n डिवाइडेड बाय 2. और अगर आपके पास डबल बॉन्ड ऑड नंबर में प्रेजेंट है तो p की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 बाय 2. ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. देखिए एग्जाम्पल, एक चेन दे रखी है आपको एंड आपसे पूछा है नंबर ऑफ GI कैलकुलेट कीजिए. सबसे पहले आप देखेंगे कि R1 और R2 की वैल्यू अगर सेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. तो देखिए R1 एंड R2 दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज CH3, विच मीन्स R1 इज इक्वल्स टू R2. अब आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power p minus 1. अब आप देखेंगे कि इवन नंबर में हमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है या ऑड नंबर में. आपने देखा 1, 2 एंड 3 ऑड नंबर में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, विच मीन्स फॉर्मूला कौन सा यूज आएगा, p इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2 आपको यूज करना होगा इस फॉर्मूले के अंदर. अब आपने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, जैसे ही आपने फॉर्मूले से सॉल्व किया आपके पास आंसर आता है 6, विच मीन्स इस एग्जाम्पल के अंदर टोटल नंबर ऑफ GI पॉसिबल होंगे 6. ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, यहां से स्टार्ट करेंगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म. पहले हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है एंड उसके बाद हम एक एक करके स्टेप्स देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के. ओके, तो नाउ सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर वर्ड आता है रिएक्शन. रिएक्शन का मतलब क्या है, तो देखिए ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड. पुराने बॉन्ड्स को तोड़ के नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना ही कहलाता है रिएक्शन. जब भी कोई भी प्रोसेस होती है नेचर के अंदर तो वहां पे पुराने बॉन्ड्स का टूटना होता है एंड नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो उसे कहा जाता है रिएक्शन. नाउ व्हाट इज मैकेनिज्म. अगर हम बात करें मैकेनिज्म की तो मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप्स. तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन. ओके, नाउ अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझना है तो हमें 3 चीजों का पता होना जरूरी है. वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है किसी भी कंपाउंड के अंदर. सेकेंड इज नेचर ऑफ फंक्शनल रिएजेंट एंड थर्ड इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन. हम एक एक करके इन 3 के बारे में स्टडी करेंगे. नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को फेवर करते हैं. सबसे पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देन रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट एंड आफ्टर दैट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो आज के लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट की थ्योरी देखेंगे. ओके, तो देखिए सबसे पहले आपके पास है इंडक्टिव इफेक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज आई इफेक्ट. ये इफेक्ट होता क्या है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमें बताता है कि कोई भी कंपाउंड है अगर तो उसके अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो इस इफेक्ट को कहा जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट. अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये होता है 2 टाइप का, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट. अब देखिए कोई कंपाउंड है CH3 और CH3 के साथ आपका कोई Z एटम अटैच है. अगर इस Z एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन से
तो जो इफेक्ट आएगा कंपाउंड के अंदर उसे कहा जाएगा माइनस आई इफेक्ट। अगर इस कंपाउंड के अंदर CH3Z के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Z से, तो जो इफेक्ट आएगा उसे कहा जाएगा प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के हैं, माइनस आई एंड प्लस आई। अब इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, माइनस आई ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। आपको ये ऑर्डर्स बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, माइनस आई ग्रुप का आपको ऑर्डर गिवन है स्क्रीन के ऊपर, ये ऑर्डर आपको एज इट इज याद रखना है। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली प्लस आई ग्रुप्स का ऑर्डर भी आपको गिवन है, ये भी आपको याद रखना है। एनी हाउ आपको नोट करनी है ये चीजें और अच्छे से ये ऑर्डर्स की प्रायोरिटी आपको लर्न रखनी है। यहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब आपसे कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन, एसिडिक ऑर्डर, इनकी स्टेबिलिटी पूछी जाएगी। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहली एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, कि अगर हमसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी गई है तो हम कैसे बताएंगे। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो कार्बोकेटाइन एक मॉलिक्यूल होता है जिसके पास कार्बन आटम जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, कार्बोकेटाइन को डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल C+, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई ग्रुप के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई ग्रुप के। ओके, एग्जांपल आपको दिख रहा है, यहां पे आपको एक एल्काइल ग्रुप गिवन है CH2CH2CH2CH2 एंड यहां पे भी CH2CH2। अब आपको यहां पे फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। देखिए, पहले केस में आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है NO2, सेकेंड केस में दिख रहा है CN एंड थर्ड केस में दिख रहा है CHO। अब आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं NO2, CN एंड CHO ये तीनों ग्रुप ही माइनस आई ग्रुप हैं। ये देखिए, यहां पे NO2, CN एंड CHO ये तीनों कैसे ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। अब आपसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई ग्रुप के। अब जिस भी कंपाउंड की, जिस भी फंक्शनल ग्रुप की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है उस केस में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। विच मीन्स अगर माइनस आई इफेक्ट NO2 का ज्यादा है किसी कंपाउंड के अंदर तो उसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। ओके, इसीलिए यहां पे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, इसीलिए यहां पे स्टेबिलिटी कम हो गई कार्बोकेटाइन की, और NO2 से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, CN की, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी CHO की हो गई क्योंकि यहां पे मिनिमम माइनस आई इफेक्ट है। ओके, सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, इसी तरीके से कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट के। अगर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात की जाए तो ये माइनस आई अपॉन प्लस आई की तरफ प्रोपोर्शनल होगी, एंड आपको याद रखना है कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। अब अगर आपको किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी पता करनी है, किसी भी कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक इंटरमीडिएट एनाइन बना लेंगे जो भी कंपाउंड आपको गिवन है, फिर आप एनाइन मतलब कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। वो आपको कैसे पता चलेगी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट के। जितना ज्यादा एनाइन स्टेबल होगा विच मीन्स उतनी ही ज्यादा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी।
ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ इन केस इफ यू आर न्यू हेयर एट आई यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर CSIR UGC NET, यू कैन फॉलो नेहा तनेजा मैम ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं. पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिविन है. जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA. एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी. थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा.